इंदौर में कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में आईसीयू बेड एसडीयू बेड के लिए भी अभी भी मरीजों को भटकना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर बीजेपी कार्यालय में हर दिन जनप्रतिनिधि बैठक कर मरीजों के परिजनों की समस्या सुन रहे हैं। बैठक में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, बीजेपी सांसद शंकर लालवानी, नगर शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, राजेश सोनकर, ग्रामीण बीजेपी जिला अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने बताया कि इंदौर के चोइथराम हॉस्पिटल का दौरा किया गया था, जिसमें ये पाया गया कि 70% ऑक्सीजन खुद चोइथराम हॉस्पिटल जनरेट कर रहा है। इसी को देखते हुए इंदौर के दूसरे बड़े अस्पतालों को भी आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से अस्पताल संचालकों की बैठक ली जाएगी। वहीं प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट में अभी भी परिजनों की लाइन लगी हुई है। उसको लेकर मंत्री ने कहा कि मांग और पूर्ति में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इसको लेकर गंभीर है। कोई भी साधन, कोई भी सुविधा हम करने जाते हैं वो कम पड़ जाती है। सरकार को भी मतलब, सरकार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप जानते हैं कि 24 घंटे काम कर रहे हैं पूरी सरकार, मतलब वो 3 घंटे सोते हैं तो सरकार, उनके दूसरे अधिकारी काम करते हैं। सरकार प्रयास रहते प्रयत्न रह, कोशिश पूरी, हर संभव हम कोई भी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। तो उनको हम अकोमोडेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जवाबदारी के नाते बता रहे हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिनको बेड ना मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। मैं ये बड़ी गंभीरता से और बड़ी प्रामाणिकता से ये बात